हेलो फ्रेंड, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने संडे स्पेशल ब्लॉग में। और आज मैं संडे स्पेशल में अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ कढ़ी चावल और पूरी। और फ्रेंड, आप कभी कढ़ी और पूरी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगता है इसका कॉम्बिनेशन। और इसकी आगे भी बताऊँगी कि हमने इसको मतलब कैसे पता लगा इसके कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ, वो बना रही हूँ ताज़ा दही से। हम डेली खाने के लिए दही जमाते हैं, तो आज मैंने किसी को खाने के लिए नहीं दिए दही, उसको छाछ बना लिया दही को। और इसमें अब बेसन मिलाकर इसकी कढ़ी बना दूंगी। तो फ्रेंड, ये जो ताज़ा दही की कढ़ी बनाते हैं तो ये ज़्यादा खट्टी नहीं बनती है, मतलब एक अलग सी टेस्ट रहता है इसमें और बहुत अच्छी भी लगती है। और हमारे घर में ज़्यादा खट्टी कढ़ी भी नहीं खाते हैं, तो इनको ऐसी कढ़ी अच्छी लगती है सबको। तो मैं ऐसी ही कढ़ी बनाती हूँ और मेरे हाथ की कढ़ी अच्छी भी लगती है सबको। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लस्सी में बेसन घोल दिया है और अब इसको उबालने के लिए रख दूँगी। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि अभी हम इसे बाद में छोंकेंगे तो इसमें भी ऐड करेंगे जो मसाला भूनेंगे उसमें भी। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी और मिर्च डाली है। और कढ़ी उबलती रहेगी और मैं इसे बीच में चलाती भी रहूँगी और उसके साथ मैं काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले लगा लूँगी आटा, और जो दूसरी गैस है उस चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, तो चावल भी उबल रहे हैं। तो ये मेरे दोनों तीनों काम एक साथ हो जाएंगे, कढ़ी भी उबल जाएगी, चावल भी बन जाएंगे और आटा भी लगा दूँगी। और फ्रेंड, आपको पता ही है मैं आटा मतलब सब्जी वगैरह बनाने से पहले ही लगा लेती हूँ, जिससे आटे को 15-20 मिनट का रेस्ट मिल जाता है और वो अच्छी तरह से फूल जाता है और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे आटा भी लगता रहेगा और कढ़ी को बीच में चला कर भी देखती रहूँगी, क्योंकि ये कढ़ी उबल जाएगी तो निकल जाएगी भगोने में से, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं इसको बार बार चलाऊँगी ताकि ये उबल ना सके। और फ्रेंड, कढ़ी के साथ पूरी हमारी मम्मी बनाती थी हम छोटे छोटे थे जब, और अब भी हम घर जाते हैं तो मम्मी से कढ़ी और पूरी बनवाते हैं। और वो पूरी बनाती कढ़ाई में नहीं बनाती थी, वो बनाती थी तवे पर। हम गांव जैसे गांव से हूँ मैं, तो वहाँ पे चूल्हे वगैरह पर खाना बनाते हैं, तो मम्मी जो चूल्हे पर तवा रख के उसी में तो पकौड़े बना देती थी और उसी में फिर पूरी बना देती, तो वो पूरी इतनी टेस्टी लगती थी। बहुत हम बनाते हैं जैसे गैस तवे पर पूरी बनाते हैं, हमसे इतनी टेस्टी नहीं बनती है, और मम्मी के हाथ की बहुत टेस्टी लगती थी। तो हम अब भी अपने घर जाते हैं तो मम्मी पे सारी चीज़ें बनवा बनवा के खाते हैं, और उनके हाथ का टेस्ट ही अलग है, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं मेरी मम्मी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आटा लगा दिया है, ढककर रख दिया है आटे को, और कढ़ी भी उबलने लगी है। और यहाँ पे मैं पकोड़े के लिए बना लूँगी बैटर। तो इस बैटर में मैं मिलाऊँगी हल्दी, नमक और थोड़ा सा एक पिंच बेकिंग सोडा, जिस क्योंकि आज मुझे बनाने हैं जो भले रहते हैं इस तरह के पकोड़े। तो मैं आपको ये इस तरह के पकोड़े बनाने का एक बात बताती हूँ, जैसे आपकी कढ़ी पतली हो जाती है ना, तो आप इस तरह के पकोड़े बनाकर डाल दो, कढ़ी एकदम थिक हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, पतली नहीं रहेगी। बट मेरी कढ़ी यहाँ पे ठीक है, जैसे मुझे चाहिए थे ऐसी बन रही है। बट ऐसे पकोड़े कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे पकोड़े बनाकर डाल रही हूँ, और बच्चे चाय के साथ खा भी लेंगे कुछ पकोड़े। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कर दिए किचन को क्लीन कर दिया है, और मैं नहा के भी रेडी हो गई हूँ। तो एक बार मैंने जो तैयारी करनी थी वो कर दी थी, अब मैं नहा के दोबारा आ लगी हूँ किचन में। तो पहले मैं बनाऊंगी पकोड़े, और दूसरी गैस पर मैं छोंकूंगी सब कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी भी मेरी उबल गई थी और चावल भी बॉयल हो गए थे। तो जब तक मेरे ये पकोड़े वगैरह, मेरे दोनों एक काम एक साथ ही हो जाएंगे, पकोड़े भी बन जाएंगे और कढ़ी में भी छोंक लग जाएगा। तो कढ़ी में छोंक लगाऊंगी, मेथी का छोंक लगाऊंगी और प्याज में टमाटर भी डालूंगी इसमें। और फ्रेंड, हमने पूरे सावन के मंथ में कढ़ी नहीं बनाई थी, और सबका ऐसा मन करता था बनाने के लिए। और कुछ ऐसा भी होता है ना, जैसे किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो उस चीज़ का ज़्यादा मन करता है,
तो इसलिए ज़्यादा मन किया था सबका कि भाई अब की बार कढ़ी नहीं बना रहे हो, कढ़ी नहीं बना रहे हो। बट सावन मास में हमने एक बार भी कढ़ी नहीं बनाई थी। हाँ, अब बनानी शुरू करी है जब सावन ख़त्म हो गया है। कहते हैं ना सावन मास में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए हमने सावन में अब के पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था कढ़ी को, एक बार भी नहीं बनाई थी। जो हमारे घर में कढ़ी नहीं खाते हैं ना, उनका भी मन करने लगा था अब की बार तो, क्या कढ़ी नहीं बनाई बहुत दिन से। चलो सावन में कढ़ी नहीं बनाई तो एक फ़ायदा हो गया कि जिनको अच्छी नहीं लगती हमारे घर में, उनका भी मन कर आया खाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे ना ये कढ़ाई में जो तेल डाला है इसमें बहुत ज़्यादा झाग आ रहे थे, जैसे मैंने पकौड़े डाले इसमें, तो इसमें मैंने एक पिंच हल्दी डाल दी है, इससे ना इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे। और कढ़ी जो दूसरी कढ़ाई है उसमें मैंने तेल गरम करके मेथी दाना डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और अदरक कस के, और एक दो हरी मिर्च डालूँगी। अब अदरक भी आने लगी है, मतलब आती है अदरक, इतनी बेकार आती है हमारे यहाँ पे, तो एक दिन में ख़राब हो जाती है। बहुत बचा बचा के रखते हैं, कभी कैसे रखते हैं कभी कैसे रखते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे सड़ी सड़ी सी हो जाती है। तो हम लाने मनाही कर देते हैं मम्मी जी से कि मम्मी जी मत लो अदरक, फिर भी अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ले लेती हैं, तो उसे ये सोचते हैं जल्दी से ख़त्म कर दें नहीं तो सड़ जाती है। और अदरक पता नहीं हमारे यहाँ पे ऐसी बिकने के लिए आती है, और मैं अपनी सिस्टर वगैरह से कहती हूँ तो वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे तो नहीं होती ऐसी अदरक, यहाँ पे फरीदाबाद में सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अदरक से नहीं, और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जो एक दिन ले लो आप दूसरे दिन गली गली से हो जाती हैं, पता नहीं पानी का फ़र्क है जन कैसे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़े कितने फूले फूले बने हैं, बिल्कुल कढ़ाई भर गई है, और छोंक भी तैयार कर दिया है मैंने कढ़ी के लिए। और पहले मेरा रोटी बनाने का ही विचार था कढ़ी के साथ, बट बच्चे कहने लगे नहीं हम तो पूरी खाएंगे, तो फिर मैंने चलो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं तो इसलिए पूरी बना दी थी। और पकोड़े भी मैं कई बार मैं करके बनाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में मैंने पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि आज मेरा काम लेट हो गया था और सब पहले ही रेडी होकर बैठ गए थे, खाने का वेट करने लगे थे। फ्रेंड ये जो कढ़ी मैंने बना आपको रेसिपी बताई है, ये सीखी थी मैंने मम्मी जी से। तो यहाँ पे दिव्या हो गई है, रेडी होकर आ गई है, और कानू के लिए भोग भी लगी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो उनके लिए लगाया है भोग हमने चावल पकोड़े और कढ़ी से। कढ़ी को मैंने छोंका नहीं है, वो बिना छुकी ले गई है, बोल रही है दिव्या की मम्मी लाला तो छोटे से हैं वो ऐसे ही खा लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कढ़ी छोंक दी है मैंने, और अब बनाऊंगी मैं पूरी। और फ्रेंड एक बात बताओ, आप किस किस के वहाँ पे बारिश हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3-4 दिन हो गए हैं फरीदाबाद में, डेली पूरे दिन रात बारिश हो रही है। और बारिश क्या बस कभी तेज़ हो जाती है कभी धीमे हो जाती है, इस तरह से ही बारिश हो रही है कंटिन्यू, और कपड़े वगैरह सारा कुछ ऐसे ही है। तो हमारे पास तो मतलब जगह की कमी नहीं है, रूम है 2-3 एक्स्ट्रा रूम है, तो एक रूम कपड़े के लिए कर रखा है, उसमें मतलब फ़ैन चला रखा है, और उसमें कपड़े धोकर डाल देते हैं और उसी में सूख जाते हैं, इस तरह से कपड़े सुखा रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मशीन का भी बहुत फ़ायदा है भाई, इस मौसम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखता है मशीन का, क्योंकि सर्दियों में तो थोड़ी बहुत धूप निकल आती है, बट इस जो बारिश का मौसम रहता है इसमें तो धूप का पता ही नहीं रहता निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो कपड़े वगैरह भी इस तरह से सूख रहे हैं हमारे। तो फ्रेंड मेरी कढ़ी भी छुक गई है, और पकोड़े भी मैंने बनाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि पहले बनाऊंगी पूरी, क्योंकि पापा जी को जाना था कहीं पर, तो पापा जी के लिए खाना लगा के दे दूंगी, प्लेट लगा के दे दूंगी खाना। और सब उठ गए हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है, और रेडी होकर आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, सब मुझसे पहले तैयार हो गए, नहीं तो अदर डे जैसे और दिन में बाट देखती हूँ उनकी कि अभी तक कोई नहीं आया मैं क्या करूँ बनाकर, बट आज मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ा। और फ्रेंड जो ये
फ्रेंड मैं आपसे एक बात हर वीडियो में कहती हूँ कि फ्रेंड आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करो और पूरा मतलब लाइक भी ज़रूर किया करो, कमेंट भी किया करो। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी के लिए तो एक कमेंट कर ही दिया करो, और मुझे आपकी थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। और फ्रेंड मैं मोज पर भी वीडियो बनाती हूँ, मतलब मिनी ब्लॉग्स ही बनाती हूँ, तो उस पर तो मेरे 5K फैमिली पूरी हो गई है। अगर जो भी मेरा मोज से मतलब मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मुझे पता है मौज फैमिली से भी हैं मेरे, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपने चैनल का मतलब बताती रहती हूँ यूट्यूब चैनल का। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड पूरी पापा जी के लिए खाना बना दिया है और अब मैं बनाऊँगी जांगड़ा साहब के लिए। तो ये चावल वाइट चावल नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, कभी कभार जब ज़्यादा ही ये होता है कि भाई अब नहीं बना के देंगी या एक जैसे कोई दिक्कत हो जाती है जब भी खाते हैं वाइट चावल, नहीं तो ये हमेशा जो वाइट चावल रहते हैं इनको छौंकवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू काट कर आलू को मतलब छीनने से पहले अच्छी तरह से धो लिया था और इसको क्यूब के साइज़ में काट दिया है, और अब इसको मैंने कर दिया डीप फ्राई। और जब तक आलू डीप फ्राई होंगे जब तक मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। और फ्रेंड मैं आपको बताऊँ आजकल मैंने चिकनाई अवॉइड क्यों कर रखी है, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और इससे मेरे को हो गई है खांसी जुकाम, तो थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये ऑयली चीज़ें बंद कर रखी और ठंडा पानी बंद कर रखा, इसीलिए मेरे बड़े ब्लॉग नहीं आ रहे थे संडे को, क्योंकि ज़्यादा ही जुकाम खांसी की दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे, बस मिनी ब्लॉग ही ऐसे जैसे एडिट कर रही थी। बट अब कंटिन्यू आएंगे और मेरी तबीयत भी ठीक है, डॉक्टर ने तो ओके कह दिया है एकदम कि भाई ठीक हो आप खा सकते हो कुछ, पर फिर भी मैं अपना परहेज कर रही हूँ, एक दो दिन और ये बिना घी की रोटी खा लेती हूँ, मतलब ऑयल फ्री खाना खा लेती हूँ और गर्म पानी पी लेती हूँ जिससे और तरह अच्छी तरह से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि खांसी जुकाम का भी मतलब मौसम चेंज होगा जब भी खांसी जुकाम की दिक्कत होगी। अब कूलर अब मौसम मतलब ठंडक हो रही है तो कूलर वगैरह भी नहीं चला रहे हैं, पंखे के नीचे ठंड लगने लगती है अब तो रात में, अब इससे भी मतलब कोल्ड कफ फैलेगा बहुत ज़्यादा और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई आप भी अपनी सेफ्टी रखें, हल्के से खांसी जुकाम को अवॉइड मत करें, सीधे डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। तो आलू फ्राई हो गए, रोटी भी बना ली मैंने, और अब मैं बना दूंगी ये चावल चौंक दूंगी। चावल मैं बनाऊंगी ये जीरा राइस टाइप में, इसमें जीरा डालूंगी और आलू, आज मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगी जैसे प्याज सोयाबीन वगैरह, बस सिंपल से ही ऐसे ही थोड़ा सा इनका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, नमक में डाल दूंगी बस इसलिए ही चौंकूंगी। और फ्रेंड्स सब ने खाना खा लिया है हमारे घर में, और मतलब खाना भी खा लिया है और ट्यूशन के बच्चे भी आएंगे आज, अब बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो इसका भी मतलब हमें संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ती हैं बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने देखो चावल छौंक दिए हैं और इनमें हल्का सा नमक मिर्च हल्दी ऐड कर दूँगी और इससे इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और सबने ऐसे चावल खा लिए थे, किसी ने कोई फरमाइश नहीं की, बट जांगड़ा साहब नहीं खाते हैं सफ़ेद चावल, तो उनके लिए तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके रखती हूँ, ऐसी चीज़ों का मतलब हल्का फुल्का सा ही करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बना ली है और जांगड़ा साहब के लिए पूरी बना कर रख दूँगी, क्योंकि अभी वो पूजा पाठ में बिजी हैं। और फ्रेंड आपको अगर हमारी वीडियो, मैं आपसे ये बात फिर दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हो, और कमेंट भी करें, और आप हमें ज़रूर बताया करो कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मैं एक बात को बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना तो आप लाइक करते हो और ना ही आप पूरी वीडियो को वॉच करते हो, और मेरे मिनी ब्लॉग को भी देखा करो आप, मिनी ब्लॉग पे भी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, बट बड़े ब्लॉग है जो इन पे आप लोग कम रिस्पांस देते हो, मतलब देते तो हो पर कम देते हो। तो फ्रेंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ ब्लॉग बनाने के लिए।
बड़े ब्लॉग बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे सारा कुछ हो गया है, अब मैं अपने लिए कर लूँगी गर्म पानी, और गर्म पानी में एक केतली में भर के रख देती हूँ। पूरे दिन में 2 या 3 केतली पी लेती हूँ, क्योंकि ठंडा हो या गर्म हो पानी तो जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत रहती है उतना ही पीना पड़ता है। और मुझे अभी गर्म पानी टेस्टी लगने लगा है, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं कम से कम गर्म पानी पीते पीते। सबको खाना खिला दिया है और अपनी भी प्लेट लगा ली है, और अब मैं खाऊंगी खाना। और फ्रेंड देखिए, खाने से कुछ नहीं है, बस तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो मेरी तबीयत एकदम ठीक है, बट मैं थोड़ा सा परहेज अभी कर रही हूँ। और ये है मेरे गर्म पानी की केतली। तो खाना खा पी कर रसोई भी क्लीन कर दिए एकदम, और बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। तो खाना खा पी लिया है सब ने, और जांगड़ा साहब भी अब लेट गए हैं, क्योंकि जब हमारा डे होता है तो उनकी नाइट होती है, और हमारी नाइट होती है जब उनका डे होता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ़ोन देखते देखते ये अब सो जाएंगे, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।